तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कि WWE चैंपियनशिप आखिर किस तरीके से बनती है, जो अभी करंट चैंपियनशिप है उसके बारे में आपको चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, तो देखो WWE की ये बात है, जब WWE ने पहले अपनी जो है चैंपियनशिप थी बिग गोल्ड वाली, उसके बाद कन्वर्ट किया स्पिनर टाइटल के अंदर, जो कि मुझे तो पर्सनली इतनी अच्छी पसंद नहीं आई थी इतनी। लेकिन इसके बाद WWE ने एक साल के अंदर जो है और चैंपियनशिप लॉन्च की, जो कि थी गाइस कुछ इस तरीके की। लेकिन इसके बाद गाइस एक साल बाद ही चीज़ें सारी बदल गई, सिर्फ चैंपियनशिप ही नहीं बल्कि WWE चेंज हो गई, जो कि मतलब एक बिगड़ा हुआ सा खेलो जो कि लोगो था। उसके बाद गाइस WWE सारी चेंज हो गई एक साल में एंड WWE नेटवर्क लॉन्च हो गया, जिसके बाद जो W है जो कि काफ़ी बढ़िया है वो आ गया एंड WWF कन्वर्ट हो गया WWE के अंदर। एंड जो है ये तो मैंने बातें बता दी कुछ इसके प्रीव्यू की एंड गाइस यहाँ पर से ये बन के रेडी हो गया WWE का ब्रांड, जो कि अभी भी स्टिल है एंड यही लोगों मुझे काफ़ी पसंद आता है। एंड गाइस इसके बाद बारी आती है इस WWE चैंपियनशिप को बनाने की, आखिर में से किस तरीके का बनाया गया। तो देखो इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत तो लगती है एंड WWE गई गए अपने पुराने जो चैंपियनशिप उन्होंने बनाई थी इससे पहले वाली उनके पास थे एंड उन्होंने बहुत बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट किए, जो कि आप देख ही सकते हो वीडियोस में। मतलब ये जो पहले बहुत इसके ऊपर बनाया गया कि किस तरीके से हम लोग टाइटल बना सकते हैं एंड इसके बाद फाइनली इसका डिज़ाइन फाइनलाइज होने के बाद ये गए कार मैकेनिक के पास, मतलब जो बड़ी बड़ी कार्स वगैरह बनाते हैं, जिन्होंने बाइक्स बनाते हैं, जिन्होंने रेसलमेनिया के रिगार्डिंग एक बहुत स्पेशल बाइक बनाई थी जिसके अंदर WWE चैंपियनशिप भी जो है लगी हुई थी। उसको गए जो है काफ़ी कमाल का लुक था वो बाइक का, रेसलमेनिया का। एंड यहाँ पर से गाइस WWE गए इनके पास अपनी WWE चैंपियनशिप को बनाने के लिए एंड इसकी जो प्लेट है ना मेन प्लेट जिसके ऊपर बड़ा W लगा हुआ होता है, उसको गाइस बहुत बड़ी तरीके से बनाया गया एंड गाइस उसको एक बड़ी प्लेट के ऊपर कह लो या फिर कह लो बड़े से बड़े शीट के ऊपर बनाया गया एक मेटल के ऊपर एंड उसको बनाया। एंड उसके बाद जो है इसके कटआउट्स लेने को भाई बहुत तगड़ी ये चीज़ थी एंड बड़े बड़े इसके अंदर कट्स थे, सारे कट्स जो है बढ़िया तरीके से लेने थे। एंड यहाँ पर से ये जो है मतलब एक काफ़ी मशीनलाइज तरीके से इसके कट्स वगैरह लिए गए एंड बाद में ये रेडी तो हो गई। लेकिन इसके अंदर गाइस एक जो बहुत बहुत मेजर चीज़ चुकी थी वो थी गाइस डायमंड्स लगाना एंड गाइस जो मतलब कह लो हीरे वगैरह ही कह लो उसको, एंड उसको लगाने के लिए जगह चाहिए एंड उसको जो एक साचे के अंदर डालना है। तो इसको करने के लिए गाइस WWE को भाई बहुत मतलब सॉरी इनको जो बहुत मेहनत लगी, 30 घंटे इसे बर्निंग वगैरह ही लग गए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड इसको गाइस बनाने के लिए बहुत समय लग गया इस चैम्पियनशिप को एंड जो मेन प्लेट है उसको भी बहुत टाइम लगा बनाने को। एंड इसके बाद जो है इसके जो चैंपियनशिप जिसके अंदर डायमंड्स वगैरह हैं उसको भी बनाने के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर लग गई एंड कुछ इस तरीके से पहले तो ये रेडी हो गई थी WWE की मेन प्लेट। एंड इसके बाद इसके जो है डायमंड्स वगैरह रूबीज वगैरह लगाए जाते हैं एंड यहाँ पर से मुझे तो मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो रूबीज वगैरह है मतलब जो गोल्ड वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो क्या वो रियल गोल्ड होता है? तो देखो वो जो एक सोने की परत होती है उसके ऊपर। एंड बारी आती है अब स्ट्रैप की, तो ब्लैक स्ट्रैप को जो है गाइस एक लेदर के ऊपर मतलब एक मोटी लेदर वो होती है उससे पहले एक वाइट पेपर के ऊपर सारी स्ट्रक्चर रेडी की गई थी एंड उसके बाद उस प्लाईवुड की जो है मतलब एक लेदर को ले गया गया एंड उसके ऊपर सारा वर्क वगैरह किया एंड उसको कलर वगैरह कर लिया। बैक ऑयल पेंट से भी तगड़ा कलर था, उसको दो तीन बार पेंट किया एंड उसके ऊपर WWE का लोगो भी इन्होंने जो है लगा दिया
एंड लोगो वगैरह लगाने के बाद इसके ऊपर बहुत बहुत वर्क भी किया गया, जो कि मतलब ऐसे डॉट डॉट से जो होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा तो वो भी यहाँ पर लगते हैं। एंड ये कुछ वर्क इसके ऊपर किया जाता है एंड इसको बर्निंग में सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा समय लगा था। WWE के इस मेन लोगो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ये चीज़ थी। और इसको बाद में एक कर्व शेप दी जाती है, जो कि आपने देखी होगी थोड़ी सी, मतलब सभी चैम्पियनशिप एक कर्व चैम्पियनशिप है, थोड़ी सी इससे ऊपर की ओर है, तो इसको भी कर्व मशीन के थ्रू ही इसको किया गया था। एंड बाद में इसे जो है जो WWE का जो लोगो वगैरह है उसको साइड प्लेट्स बनाने के लिए भी बड़ी चीज़ें लग गई। एंड उसको भी जो है सोने की जो है परत से उसको जो है मतलब सोने के अंदर उसकी परत लगाई गई एंड सारी चीज़ों को फाइनली जाकर गए इसको WWE ने बनाया, सॉरी WWE चैम्पियनशिप को इन्होंने बना दिया एंड डायमंड वगैरह भी बहुत बड़ी तरीके से लगा दिया गया एंड फाइनली लॉन्च हो गई गई WWE के बन के रेडी हो गई WWE की ब्रांड न्यू WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियनशिप। एंड यहाँ पर से ये जाके लॉन्च हो गई एंड ये चीज़ें थी एंड ये कुछ प्रोसेस था कि आखिर में एक चैम्पियनशिप कैसे बनती है एंड उसके अंदर भी WWE चैम्पियनशिप। तो फिलहाल आई होप मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया होगा अच्छे से एंड आज की हमारी वीडियो बस इतनी सी थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना एंड आज की वीडियो बस इतनी सी थी एंड गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।